अगर आप एक पतले लड़के हो, कमज़ोर लड़के हो, तो आज की ये फैशन वीडियो सिर्फ आपके लिए यार, रख लो। तो गाइस, हम फैशन क्यों करते हैं, हम वेल ड्रेस क्यों रहते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सके। हम अपने आप को जब फील करवाते हैं कि हम बहुत क्लीन लग रहे हैं, बहुत कूल लग रहे हैं, बहुत कमाल लग रहे हैं, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है जो हाई हो जाता है, जिससे हम किसी से भी इजीली बात कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अपनी ड्रेसिंग सेंस को बिल्ड करते हैं। तो हमारे जो थिन बॉयज़ हैं, जो कमज़ोर लड़की हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं कि यार मैं ऐसी क्या चीज़ वेयर करूं जो मेरे लिए परफेक्ट हो, जो मुझे लगे कि मैं अच्छा लग रहा हूं। आपको हज़ार दफ़ा कह चुका हूं और एक दफ़ा फिर बोल देता हूं, भाई ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कितनी वेल ड्रेस की होगी, इससे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, अगर आप थिन भी हो, कमज़ोर भी हो, तो आप कुछ भी जीत सकते हो। यू कैन डू इट एवरीथिंग इन योर लाइफ। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो यू हैव नथिंग डन, कुछ भी नहीं कर सकते इन योर लाइफ, याद रख लेना इस बात को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो यार आप सब? मैं हूँ मुजम्मिल कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब पर। सबसे पहला जो फैशन ट्रिक है मेरे दोस्तों के लिए, वो है लॉन्ग स्लीव टी शर्ट्स। जब भी आप वेयर करें, लॉन्ग स्लीव टी शर्ट्स का चुनाव करें अपने ड्रेसिंग के लिए। जब भी शॉपिंग के लिए जाएं, लॉन्ग स्लीव लेके आए। लॉन्ग स्लीव शर्ट्स का ये फ़ायदा होता है कि जब आप पहनते हो तो अपनी आर्म्स नज़र नहीं आती आपकी। अक्सर जो थिन बॉयज़ होते हैं वो अपने कमज़ोर आर्म्स को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि यार अगर मैं हाफ स्लीव शर्ट पहनूंगा तो मेरी स्लीव छोटी होगी, लोग मुझे क्या कहेंगे, ये टेंशन लगी रहती है उनको। तो भाई आप दिखाएं ना उन्हें, जब आप अपनी आर्म्स दिखाएंगे ना तो फिर आपको अनकंफर्टेबल फील करेंगे, तब आप बात करने में भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। जब कोई चीज़ आपकी दिख रही हो, जो चीज़ आपको कंफर्टेबल नहीं लगती, आप अपने आर्म्स को छुपा दें। तो बेस्ट जो आपका फ्रेंड रहेगा ना, वो आपके फुल स्लीव शर्ट्स रहेंगी, जो कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा किसी को नज़र नहीं आएगा, तो आप कंफर्टेबल रहोगे। अगर आप हाफ टी शर्ट्स पहनते हो, फुल टी शर्ट्स भी पहनते हो ना, तो अपने ये आर्म्स दिखाएं अगले को, ये बात करते हो ना, आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस लगते हो जब आप ये दिखाते हैं अपने आर्म्स को, ठीक है? ज़्यादा पूरे ना मत दिखाएं, इतना इतना दिखा दें। अगर मैं इसको नीचे रखता हूँ तो मैं खुद को ही कॉन्फिडेंट नहीं लगता, मैं कह रहा हूँ ये क्या कर दिया मैंने, तो इसलिए ये इसको मैं ऊपर रखता हूँ। यार अब देखो तेरा भाई फुल ऑफ कॉन्फिडेंस लग रहा है कि नहीं? यस। फैशन ट्रिक नंबर टू है जैकेट एंड लेयरिंग। नहीं पता, समझाता हूँ ना। जैकेट जब आप पहने ना कोई चीज़, तो जैकेट के नीचे टी शर्ट पहने, टी शर्ट भी ऐसी हो जो प्लेन हो, या पूरी वाइट हो, या पूरी ब्लैक हो, या पूरी ब्लू हो, ये ना हो गया कि रंग बिरंगे अमेरिका के झंडा लगाओ बीच में, ये लगाओ, ये चीज़ें नॉट गुड लाइक लुकिंग अ गुड पर्सनैलिटी है। तो इसीलिए ट्राई करें कि नीचे प्लेन चीज़ पहने, या तो ब्लैक हो, या ग्रीन हो, या वाइट हो, एक चीज़ पहने, उसके ऊपर जैकेट पहने। उफ, क्या वेव्स निकलेंगी आपसे कि देखने वाला बंदा और बंदी बेहोश हो जाएंगे, फिर उनको पानी दे दे के होश करवाना पड़ेगा। यार करके देखो, थिन हो ना, कमज़ोर हो थोड़े से, तो लेयरिंग करके देखो। लेयरिंग क्या होता है, नीचे शर्ट पहन ली, प्लेन शर्ट, ठीक है? प्लेन शर्ट मतलब वाइट, ब्लू, ब्लैक, इस तरह का एक प्लेन कलर हो बिल्कुल ही। दूसरे नंबर पर आता है ऊपर शर्ट पहनना। ऊपर जो भी चीज़ आप पहन रहे हो, चाहे सूट पहन रहे हो, चाहे कोई चीज़ कोट पहन रहे हो, कोई भी चीज़ पहन रहे हो ना, उसका जो स्टफ़ है थोड़ा थिन होना चाहिए। जब थिन चीज़ पहनते हो ना, तो आपकी बॉडी थोड़ी बल्गी लगती है, थोड़ा सा फैटी लगते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक लगती है थोड़ी सी। तो ऊपर जो स्टफ़ पहने ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल का होना चाहिए, जो कि देखते वक्त अट्रैक्शन आ जाए सामने वाले बंदे की आपकी तरफ। जब अट्रैक्शन आती है ना, तो फिर पॉजिटिव वॉर्म्स जाती हैं आपकी, और जब वॉर्म्स वापस जाके लग के वापस आती है ना, तो फिर वो हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। हवाओं में बहेंगे, घटनाओं में रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। ट्रिक नंबर थ्री, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। ये क्या होता है बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइंस वो होती हैं जो मैंने पहन रखी हैं, ये वाली लाइंस को हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं। वर्टिकल लाइंस ये स्ट्रेट होती है, सीधी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो थिन बॉयज़ होते हैं ना, जो कमज़ोर होते हैं, जिनकी बॉडी इतनी फैटी नहीं होती, उनके लिए भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। जो भाई फुल ऑफ मतलब के फैटी होते हैं, उनके लिए होती है वर्टिकल लाइंस। वो वर्टिकल लाइंस पहनते हैं तो वो थिन लगते हैं, थोड़े से अच्छे लगते हैं। जो हमारे थिन बॉयज़ होते हैं, ये वर्टिकल पहने ना, थोड़े से अच्छी लुक आती है, कमाल की लुक, देखने वाला बंदा थोड़ा अट्रैक्ट होता है। थिन भी हो, ऊपर से वर्टिकल लाइन पहनते हो ना, तो फिर ऐसे लगता है कि खंभे के अंदर कपड़े लटकाए हुए हैं। भाई ये चीज़ अवॉइड करें। जो मोटे बंदे हैं ना, वो वर्टिकल लाइन पहनते हुए अच्छे लगते हैं,
अगर मोटा बंदा ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस पहने तो वो फिर और ज़्यादा फुटबॉल लगता है। तो अवॉइड करें चीज़ें से, जो चीज़ें सूट करती है वो पहने यार। दोस्त है ना, उनके लिए जो फैशन का सबसे बेहतरीन जो बेस्ट फ्रेंड हो सकता है ना, वो है भाई कॉलर वाली शर्ट्स, राउंड नेक्स और पोलो टी शर्ट्स। तो आपकी गर्दन जो है ना, वो ये मोटी लगती है। जब गर्दन कॉलर वाली टी शर्ट से मोटी लगती है ना, फिर अगले वाला बंदा कहता है दे दो मुझे, दे दो दे दो दे दो दे दो। अब बात करते हैं जीन्स के बारे में, रुको दिखाता हूँ। अगर आप स्लिम और स्मार्ट हो ना, तो आपके लिए भैया स्लिम फिट, स्किन फिट नहीं। अब मैंने स्लिम ऐसे लड़के देखे जो ऐसे वाली पहन लेते हैं, ऐसे चिपका के, जो टांगों के साथ ऐसे जुड़ी होती है भाई पैंट, जब वो चल रही होते हैं ना पीछे से इकतर बत्तर हो रही होती है। सॉरी फॉर दैट। थिन बॉयज ना, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो सूट्स का चुनाव करें। सूट्स थोड़े से महंगे होते हैं, इसलिए आप हमारे सूट्स भी पहन सकते हैं, शरवाल कमीज। यार हमारी जो कौमी ड्रेस है ना, इसकी जैसी कोई ड्रेस ही नहीं दुनिया में। अब चाहे मोटा बंदा पहन ले, चाहे स्लिम बंदा, चाहे स्मार्ट बंदा, जैसा मर्जी कोई भी बंदा पहन ले, वो आला और आला दर्जे का इंसान लगता है। अब किसी कोई बंदे को देखो, कोई कॉटन पहन के जा रहा होता ना, माया लगवा के ये खड़े करवा के ऐसे वाला, तो यार वो बंदा दिखने में तो क्या लगता है कि ऐसा लगता है कि करोड़ों रुपए इसके पास है, यार क्या खर्चा करता है ये बंदा। हालांकि सच में उसके पास दो समोसे खाने के लिए भी पैसे ना हो, बहरहाल उस पे अच्छा लगता है। कहने का मतलब ये कि हमारी जो कौमी ड्रेस है ना, उसकी जैसी कोई ड्रेस ही नहीं है, शरवाल कमीज़, चाहे वो लड़कियों की हो या लड़कों की हो। लुक ऐसे देते हैं, वेब्स ऐसे देते हैं, कमाल की यार, आप पहन के देखो आला लगोगे। करते हैं शूज़ के बारे में, जो हमारे स्किनी बॉयज है ना, अगर आप बिल्कुल स्लिम हो तो भाई आपको चीज़ भी स्लिम ही पहननी चाहिए। आप स्लिम हो, ऊपर से आपने इतने बड़े बड़े फिर हील वाले जोगर्स पहने, नॉट आर लुकिंग गुड। अगर आप स्लिम हो ना, तो आप पहने स्नीकर्स, आपके लिए बने हैं लोफर्स। ये शूज़ पहनने से ना आपके अंदर एक कमाल की अट्रैक्टिव लुक आती है। जब आप पहनते हो, आप हो ही स्लिम बंदे, आपने पैंट भी नैरो पहनी है, शर्ट भी आपने नैरो पहनी है, हाफ टी शर्ट जहाँ तक पहनी है, तो भाई फिर लोग देख के आपको वाव नहीं कहेंगे, लोग आपको कहेंगे पागल हो गया, पागल आ गया। अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता ना, तो ये करो जो मैं बता रहा हूँ भाई। तो जब आप लोफर्स पहनो या स्नीकर्स पहनो या कुछ भी पहनो, तो भाई उसके अंदर नीले पीले और गुलाबी कलर के आपने जराबी नहीं पहनी, खुदा के वास्ते। तुम लोग भाई जराबें आई हैं ये इस तरह की एंकल लेस, इस तरह की जराबें पहनो जो कि नज़र ना आए। जो ज़्यादातर देखा जाता है कि लोफर्स जो पहनते हैं ना, वो नीली पीली जुराबें होए ऊपर तक चढ़ाई होती है, भाई ये इससे अवॉइड करो खुदा के लिए, ये बहुत बुरा ये फैशन नहीं है, आप गर्व कर रहे हो फैशन को भी। वीडियो आपको कैसी लगी, इसका जवाब मुझे मिलेगा लाइक और डिसलाइक में। अच्छी लगे तो लाइक, नहीं लगे तो डिसलाइक तो कर दिया करो यार। दूसरे नंबर पर लाइक, मुझे लगता है कि मेरी वीडियो गूंगे बहरे और अंधे लोग देखते हैं, ना कोई जवाब देते हो यार। अच्छी लगे तो कमेंट में गुड लिख दिया करो, बुरी लगे तो गाली ना दो, कम से कम बता दो यार कि क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। चलो कमिट नहीं करते आप लोग, कौन हाथ उठाए, कौन कमिट वाला बटन दबाए, कौन अपने हाथ को जाया करे, चलो ये भी नहीं कर सकते ना, तो आप लाइक और डिसलाइक तो कर सकते हो ना, वो कर दो यार, पता तो चले बंदा कर क्या रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट वीडियो पर मैं आपको वेट गेन करने का तरीका बताऊँगा, जो कि मेरे स्लिम दोस्त भाई हो के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझसे मैसेजेस भी करके पूछते हैं कि भाई आप तो जिम ट्रेनिंग भी करवाते रहे हो, बताओ कि वेट कैसे गेन करते हैं। तो भाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा कि जिम के वेट गेन कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।